वेलकम टू ऑलमोस्ट, आज आखिरी दिन है और अब जा रहे हैं सुबह सुबह जल चढ़ाने के लिए। स्लिप कटवाएंगे जल अभिषेक के लिए और फिर उसके बाद जल अभिषेक करेंगे, कपड़े भी बदलेंगे। और ये लग रहे कपड़े पहन रखे इन्होंने, इस तरीके की धोती कपड़ा लेंगे। और ये जल लेके आए हैं हम घर से ही, तो गंगा जल है ये। अभी सुबह के लगभग 7:30 बजे के करीब हुए हैं, खाली है सब कुछ, ठंडा ठंडा सा है। ये कुछ ऐसा है, चलो फिर चलते हैं आगे। सुबह सुबह तो पूरी शांति है यहाँ पे, लगभग शॉप्स कुछ खुली नहीं है और खुल जाएंगी धीरे धीरे, और कुछ बहुत ही जल्दी खुलती है या कुछ बंद ही नहीं होती। हम तो बिना चप्पलों के ही आ गए, थोड़ा नंगे पैर भी चलना जरूरी है। हाँ, नंगे पैर भी चलना जरूरी है, और कौन जाए फिर चप्पल उतारे बार बार, तो बिना चप्पल के ही आ गए। घंटियाँ बज रही है ना अभी भी शायद मंदिर की। यहाँ पे काउंटर है पर हमें जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि लाइन में लग गए थे हम, तो वही ज़्यादा सही लगा। बाकी जैसे कोई हैं बुजुर्ग व्यक्ति हैं या कोई हैं तो यहाँ से अपना स्लिप भी कटवा के या जिन्हें जल्दी है जा सकते हैं। चलो फिर वहाँ स्लिप देख रहे हैं कहाँ से कटेगी जल अभिषेक की। करना उसके लिए कच्ची वहाँ से, तो यहाँ से अभी जल अभिषेक की स्लिप कटवा रहा है निशु। तो ये ऐसे ही प्राइस है, ठीक है। सुबह ऐसा लगता है, रात को भी सुंदर था, अब भी काफ़ी सुंदर लग रहा है सब कुछ। और ये अभी भी शायद सुबह की आरती हो रही है शायद, अब वहाँ उस तरफ लगी हुई है वो बड़ी स्क्रीन, उस पर दिखता है। यहाँ से हल्की हल्की मेरे को लगता है आवाज़ आ रही होगी आपको भी, तो कुछ ऐसा नज़ारा है सुबह सुबह का। चलो चलते हैं अब 4 नंबर गेट से हम लोग धोती वोती आदि लेंगे। 150 रुपये पर पर्सन के करीब वो पड़ेगी वहाँ पे, अपनी ले रहे हैं क्योंकि वो हम लेके भी जा सकते हैं। वैसे अंदर भी आप ले सकते हैं पर वो ये है जैसे किसी ने यूज़ करी हो पहले तो वो वाली मिलेंगी, पर उसको मुझे पता नहीं साथ में लेके जा सकते हैं नहीं, पर हम अपने ही ले रहे हैं क्योंकि जब ऐसी किसी जगह आए तो नया ही वस्त्र लेना अच्छा रहता है। तो ये पूरी शॉप्स रात को दिख रही थी वही सुबह के दिन, अभी कुछ तो अभी लगा रहे हैं, इस तरीके का है। तो वापस आएंगे जब कुछ लेता हूँ गोली के लिए। शायद लाइन लगी हुई है,
तो ये धोती ले ली है केसरिया रंग की, तो इस तरीके से ये धोती पहन ली, और ऊपर भी टी शर्ट निकाल लेंगे, पहन लेंगे उसको भी। तो ये हमने एंट्री कर ली है, धोती आदि पहन ली है। थोड़ा सा उल्टा करके दिखाता हूँ, हर हर महादेव। तो ये परिसर है यहाँ पे जिसके हम अंदर आ गए, जो आपने पहले भी वीडियो में देखा था जब हम दर्शन के लिए आए थे भोले बाबा के। और ये पूरा का पूरा यहाँ पे तालाब है, और ये छोटे 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 पूजा करने के लिए मंदिर बने हुए हैं, और यहाँ पे कोई भी बैठ के आराम से शांति से भगवान का नाम भी ले सकता है। तो ये पूरा कॉरिडोर है। तो रिम अच्छे ले जाके बनाएंगे, तो उसने जल वो किया ना तो चली गई। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ दो लाइनें हैं बेसिकली। एक ये हमारी लाइन है जो कि जल अभिषेक करने जा रहे हैं, और जो दूसरी लाइन चल रही है वो बेसिकली वो दर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ पे ये है वो लाइन जो हमारी लगी हुई है, और आप ये देखिए ये पूरी की पूरी धीरे धीरे चलते आ रहे हैं हम लोग। और यहाँ छोटे छोटे ये भोले बाबा जी के मंदिर बने हुए हैं, कहीं छोटे छोटे शिवलिंग हैं, वहाँ पर लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। और ये पूरा कॉरिडोर है, लगभग ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है, और कितना सुंदर है वो तो आप देख ही सकते हैं। और पूरा का पूरा एरिया बहुत ही सुंदर है, यहाँ बैठ के साधना करने का मज़ा ही कुछ और है। ये हैंड्स फ्री लगा के जो भजन चल रहा है आप उसको सुनने का प्रयास करें। ये हम और अंदर आ गए, लगभग हम अब गर्भगृह की तरफ जा रहे हैं। और ये एक छोटी सी, मतलब कह सकते हैं रास्ता सा बना हुआ है, छोटी सी गुफा सी बनी हुई है, अब इससे हम अंदर जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि मैं दर्शन करवाने का प्रयास करूं आपको भोले बाबा जी का। तो ये यहाँ पे अंदर जाके और भी ज़्यादा संकरी हो गई है जगह, जैसे आप ये पीछे की साइड भी देख रहे हैं, अभी आगे से ये और भी ज़्यादा संकरा हो। तो यहाँ से इसके बाद हम यहाँ पे दर्शन के लिए जब अंदर जा रहे थे तो निशु जरा पीछे रह गया था, मैं आगे चला गया था, फिर यहाँ पे हमने कुछ लोगों को जाने दिया आगे, और फिर हम एक साथ आए। और यहाँ पे मतलब रियल सच बताऊँ तो कैमरा पकड़ने का बिल्कुल वो था ही नहीं कि कैसे कैमरे को पकड़ें, क्योंकि इतनी भीड़ हो गई थी। आपने देखा छोटी सी संकरी सी जगह थी, तो आगे तो मैं वीडियो बना ही नहीं पाया इसके अंदर, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि कोई मतलब ये था कि यार कहीं कैमरा ही ना गिर जाए और वो भी ना टूट जाए। और दूसरा मेरा ध्यान सिर्फ महादेव के दर्शन पर ही था। तो यहाँ तक इसके बाद हमने दर्शन अपने पूरे कर लिए, फिर हम दर्शन करके बाहर आ गए थे। देख लेते हैं कुछ खा के चलते हैं। तो ये हाँ, तो ये हो गए भाई उज्जैन जी के दर्शन आज के, और जल अभिषेक भी हो गया बहुत अच्छे तरीके से, सारा कार्य हो गया अभी पूर्ण। ये देखो फिर बाबा जी बुलाएंगे जब आएंगे,
और ये अटायर हमने तो अभी तक पहन रखा है। ईशु ये वीडियो चल ही रही है, मेरी तरफ करना इसको। तो ये कुछ कुछ ऐसा लग रहा हूँ मैं अभी देखूंगा बाद में कैसा लग रहा था मैं वीडियो में। चलते हैं हर हर महादेव, और एक क्लिप और लगाऊंगा इसमें लास्ट में थोड़ी सी और कोई डिटेल देनी हो तो हर हर महादेव। तो अब खाना खा रहे हैं, खाना पीना भी आराम से खा सकते हैं यहाँ पे। ये इस तरीके का मिर्च भी पोहा वोहा और ढोकला तो आराम से यहाँ पे मिल जाता है, और बाकी चीज़ें भी यहाँ पे आराम समस्या नहीं है। ये है भाई माता जी का मसाला जहाँ पे हम रुके हुए थे। इतना सुंदर नज़ारा दिखता है। यहाँ पे था हमारा 700 रुपये करीब था रूम का, सुबह 10 बजे चेकआउट था, हमने चेकआउट कर दिया यहाँ से। बहुत ही सुंदर पूरा का पूरा एरिया दिखता है। अभी जहाँ हम खड़े हैं ये भी फर्स्ट फ्लोर है हमारा, यानी ग्राउंड फिर फर्स्ट, उसके ऊपर ये पूरा बना हुआ है, ऊपर लगता ही नहीं कि ग्राउंड फ्लोर है। और ये यहाँ पे माता जी का मंदिर है, तो ये क्षत्रिय धर्मशाला है हमारी, श्री हनुमान जी। ये एक बार ये देखो, ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर बना हुआ है। मैंने जो हमारे गांव में ना वो होती है चौपाल होती है वो देखी है ऐसी, और शायद ये मराठा स्टाइल में भी बनी हुई है, अब मुझे ज़्यादा नहीं पता, पर बहुत 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 सुंदर है। ये माता रानी जी को प्रणाम। तो अब हम लेंगे ट्रेन, हमारी इंटरसिटी है शाम को 6 बजे के करीब, और अभी क्योंकि कुछ है नहीं ऐसा तो हम ज़रा वैसे ही घूमेंगे और स्टेशन पे जाएंगे, और फिर वहाँ से हम ट्रेन लेके सीधा दिल्ली की तरफ, अपना हरियाणा की तरफ निकल जाएंगे। तो यहाँ पे इसको समाप्त करते हैं वीडियो को, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और अंत में मैं यही कहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बिना सब्सक्राइब करें मत जाना भाई प्लीज़। और कम से कम हमें सबसे पहले अभी 1000 सब्सक्राइबर करने हैं, तो और भी जगह है मंदिर में हमें जाना है, और पॉडकास्ट की भी मैं सोच रहा हूँ कि 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं पॉडकास्ट को भी स्टार्ट करूँ उस हैं। तो ये माता जी के दर्शन अभी, और फिर इस वीडियो को करते हैं यही समाप्त, पार्ट 6 है शायद ये, और फिर मिलते हैं। और हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।